अगर उस जज साहब जो नोटिसवा जारी कैले बड़े ये महाला में पियरा पोखरा पा के घूम ले रहते हैं तो उनका दिल इन नोटिस करे के ना किले। हमनी ऐसा आदमी जब आज प्रतिनिधि बा जे रउरा बीच में से गुल बा तब पर्ची मिलते हमरुआ बीच में हाजिर बन ऐसे के हमरा दुख समझते नहीं। तो जब राउर प्रतिनिधि हर क्षेत्र में जाई तब न दुख समझी। जब न्यायालय जनता के साथ ना देवेला, जब सरकार कोनो जनता के साथ ना देवे तो जनता के खुद न्यायालय सरकार के भूमिका में आवे के पड़ल, खुद आवे के पड़ल। ये भूमिका खातिर वह सब के तैयार रहे के चाहिए। जहां हमनी के सब कोई रहल लेके आवस बुलडोजर एनएसएससीओ हमनी के एजर अब जब बैठल मगो तो सीओ मैं लोग पहले रहूंगा मैं लोग के मारा। जब घरे ना रही तो हमनी के रह क्या करब जा, जब घरे ना रही तो हमनी के रह क्या करब जा। ले आवो चढ़ाव हमनी के तो आंदोलन करके राजनीति में आयल बनी उहे करब जा हमनी के। इसे अभी पुराना भोजपुर नया भोजपुर नेनुआ कई गो गांव में एकरा अलावा डुमराव ब्लॉक के अलावा भी अन्य ब्लॉक में दरअसल हमनी के लगातार एक तरह के नोटिस के खिलाफ हमनी के लड़त रहल बनी है। और वह मालूम हुई कि एकरा से पहले जे भी नोटिस करावत रहे ओकरा खिलाफ हमनी के लड़त रही जा। और नोटिस करावत रहे सीओ से एसडीओ से चाहे जिला अधिकारी से तो हमनी के एहजे रह जा तो हमनी के इतना पावर रहे कि ए लोग से हमनी के काम रोकवा देते रहे, ए लोग से हमनी के लड़ भिड़ के रोक देते रह जा। लेकिन इहो आदमी जौन बा नोटिस करावे वाला आदमी इस सरकार के ही बनावल कानून के गलत इस्तेमाल करके नोटिस इशू करावत रहे, नोटिस इशू करावत रहे। ऐसे कि सरकार के भी लगातार बयान आयल बा मंत्री के कि किसी का भी घर बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए नहीं तोड़ना। एकरा अलावे लगातार हमनी के पार्टी के या हमनी के लड़ाई यह रहल बा कि गरीब के घर मत टूट दिया, चाहे पर्चा होके कागज होके चाहे मत होके। ऐसे कि गरीब आदमी जे बा जे भूमिहीन बा जेकर एकरा अलावे कहीं जमीन नहीं के वो कहां जे, ऐसे हमनी के पहला बात तो बा कि रउआ सब कोई के साथ है हमनी के खड़ा बनी जा, हम रउआ सब के साथ है खड़ा बन। जवन भी काम घर के बचावे खातिर करे के होई ओकरा में हमनी के सब आदमी मुखिया जी भी बने हमनी के पार्टी के नेता लोग बा कन्हैया जी हरेंद्र जी सब कोई हमनी के सब साथी सब कोई हमनी के साथे बने। ई जोन बा हाई कोर्ट से नोटिस आई, इस सरकार के तरफ से नोटिस निकले, उच्च न्यायालय से नोटिस आई बा। ऐसा नहीं सर उच्च न्यायालय से नोटिस हमेशा आवत, उच्च न्यायालय के भी जोन बनावट बा ओकरा पर बहुत सारा बहस हो रहा बा। जिससे उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण नहीं किया ओहिजा जज अपने से लोग जज के चुन ले वाला तो ओहिजा ऐसा नहीं जज बन गिल बने जे कहियो गरीब के महाला में घूमे नहीं के जेकरा ई मालूमे नहीं के कि भारत में गरीब आदमी कैसे जिये ले कैसे रह ले कैसे खा ले कैसे पिए ले। अगर उस जज साहब जो नोटिसवा जारी कैले बड़े ये महाला में पियरा पोखरा पा के घूम ले रहते तो उनका दिल ई नोटिस करे के ना किले। तो ऐसा ऐसा आदमी जज बन गिल बड़े एकरा में भी सुधार खाती हमनी के लड़ाई लड़ते नहीं जा। हमनी के पूरा महागठबंधन पूरा हमनी के पार्टी की जोन कॉलेजियम सिस्टम बा न्यायपालिका में ओकरा खत्म करके सही तरीके से चुनाव होके ओकरो में आरक्षण दिया जा। यही से प्रतिनिधित्व तो बड़ा सवाल बा रउआ सोची। हमनी ऐसा आदमी जब आज प्रतिनिधि बा जे रउरा बीच में से गुल बा तब पर्ची मिलते हम रउआ बीच में हाजिर बन ऐसे के हम राउर दुख समझते नहीं। तो जब राउर प्रतिनिधि हर क्षेत्र में जाई तब ना दुख समझी। हम विधानसभा में गोइनी तो हमरा बुझाता काले भोजपुर कदीम के लोग हमरा से मिले आई रह नेनुआ के लोग आई रहे बातचीत भइल। हम सब कोई से कहनी कि भैया एकरा में दू गो काम करे के बा, ई तो तय बा कि हमन के घर ना टूटे दे कौनो कोर्ट कचहरी के फैसला हो जाए। जब हम बोलत तनी तो रिकॉर्ड बा हो सकल कोर्ट कचहरी भी हमरा पर संज्ञान लेवे लेकिन हमारा ऐसे डर नहीं है। डर ऐसे नहीं है
कि हमनी के राजनीति में ज्यादा महत्वपूर्ण ई नहीं है कि हमनी के विधायक रह जा कि ना रह जा, ज्यादा महत्वपूर्ण ई बा कि हमनी के जेकरा खातिर विधायक बनल बनी जा ओकरा खातिर हमनी के खड़ा रह जा कि ना रह जा। ऐसे हमनी के अपन जिम्मेदारी के एहसास बा आ हमनी के मजबूती के साथ रुआ सबे के साथ खड़ा बनी। आई रुआ से वादा बा कि घबराए के तनिको नहीं के, एक आदमी के तनिको घबराए के जरूरत नहीं है। जब तक हमनी के बनी जा गरीब के मकान पर एगो रेप जोन बा हमनी के ना लागे ऐसे, लेकिन लड़ाई तो लड़े के पड़ी, लड़ाई लड़े के पड़ी, लड़ाई से रोकल जो करा के जबरदस्ती तो कुछ होकेला ना, तो कोई तरीका बा लड़ाई लड़ल जाए। सीओ साहब से हम कहले बने, सीओ साहब कहले कि हाई कोर्ट हमरा के बुला के आ कहलस कि अगर घर नहीं तोड़िएगा तो हम आपका नौकरी से सस्पेंड कर दें। बताए ऐसा उच्च न्यायालय होला तो भाई वो सीओ के नौकरी करता हो करो तो नौकरी का अपन ख्याल बा, तो नौकरी जाए ना देकर खाली बुलडोजर लेके आए तो भाई तारा नौकरी बचावे के बा, हमनी का अपन घर बचावे के बा, अब हमनी क्या कर सकते नहीं। लेकिन लड़ाई बा कोर्ट से लड़ाई लड़े खातिर कोर्ट जाए के बा, जिस रोज सुबह कोर्ट गई बनी जा बाकी लोग भी कोर्ट जाए वाला बा, ई गारंटी बा हमनी के निश्चिंत बनी जा कि कोर्ट से एकरा पर स्टे ऑर्डर लागी, ऐसे कि सारा नियम कानून हमनी के पक्ष में पर्चा मिलल बा, भारत सरकार से आवास बनल बा। कौन आदमी आंख मूंद के कचहरी चलावत है घर तो देखा दे, ये पूरा दुनिया में ऐसा कोर्ट के न्यायपालिका के अन्याय के इतिहास में, न्यायपालिका न्याय देवे खातिर बनल बा लेकिन है सारा नोटिस न्यायपालिका के अन्याय के दिखा रहा। बताई है सारा मकान पक्का के बनल बा, ये घर तुर दिया गरीब कहा रही। ऐसा घटना पिछला साल भेल बक्सर शहर में घुसते सिंडिकेट गोलंबर के बगल में बुधनपुरवा मोहल्ला में सिलकुट लोग रहेला, पासवान लोग रहेला, चमार जाति के लोग रहे, ओहिजा के सीओ नोटिस जारी करके बुलडोजर चाहे के मैं गरीब के घर तुर दिया, कोई वो गरीब के पक्ष में खड़ा ना भाई। हमनी के पता चलल वो हमार विधानसभा क्षेत्र ना, वो बक्सर में बा, लेकिन चूंकि हमनी के खाली विधानसभा के बात नहीं के सुने के, हमनी के जब जनप्रतिनिधि बानी जा गरीब के तो सौसे गरीब के बात सुने के बा, हम गोई नहीं हो जाके लड़ाई भल जिला अधिकारी से सब कोई से, हमनी के कहानी जा के भाई गरीब आदमी रुआ समय तक तो पक्का का मकानो बा, हिजो से बहुत महा गरीब बा लोग नहर के किनारे बसल बा, ये कहा जी हम। तब अंत में भइल कि जब तक ये लोग सरकार बसाई ना तब तक हटावे ना दिए, आज उस सौसे गरीब आदमी हो जा बसल बा, हो जा हमनी के वो गरीब के पक्ष में खड़ा बनी जा सबके हमनी के बस हो। ऐसे ही भाई डुबराव में बनकट में नोटिस जारी हो गई तुरे खाती हुए जाके खड़ा होकर हमने कहा ना भाई ना तुरे दिए, तो ये सब नोटिस जारी होते रहे तो एहिजे से होते रहे, एहिजे रुक जाते रहे। लेकिन नोटिसों कराए वाला बड़ी तेज बड़ा सा वो देख ला कि भाई एहिजा से हो जाता तो विधायक वाला लड़ फिर के रुकवा देता रहे। जब से हमनी के बनी जा हमनी के विधानसभा में एको घर गरीब के नहीं के टूटे, एको घर नहीं टूटे, यही तो जानते कि तो रुकवा देता रहे। ऐसे चला हाई कोर्ट, अब आदमी हाई कोर्ट में चल गुल तो सरकार के कुछ नियम कानून बा, जल क्षेत्र जल के किनारे फलना के किनारे तो नियम तो आज बनल बा, नियम आज बनल बनू कि पोखरा के पिंड पानी के बसे के, नियम आज बनल बा कि आहरा के पिंड पानी के बसे के। आज पर्यावरण के बहुत बड़ा सवाल हो गया बा, सरकार के जल जीवन हरियाली योजना चलता तो आज नु बनल नियम कि अब पर्चा नहीं देवे के, हाई कोर्ट के कहे जाओ कि 1980 में नियम ना रहा, 1980 में नियम ना रहे, यही से पर्चा मिला रहे, 1980 के हिसाब से एक केस के व्याख्या हो या सुनल समझल जाए। ऐसे हमनी के हाई कोर्ट में जाए जाए वकील के माध्यम से आयकर पास के लागी सबके घर रही, एक होता ही तरीका बा। दूसर तरीका बा कि अगर एकरा बाद भी उच्च न्यायालय नइखे सुनत एकरा बाद भी नइखे रोक लागत तब का हो सकला नो, इसके जज साहब तो वे बड़े जब हाई फैसला देले बड़े तो हो सकला कि जज साहब इनको से खतरनाक हो कस और कस कि नहीं घर तोड़वा देंगे तब का, एकरा पर बात कल ज्यादा जरूरी बा। वो घड़ी जब न्यायालय जनता के साथ ना देवेला, जब सरकार कोनो जनता के साथ ना देवे तो जनता के खुद न्यायालय सरकार के भूमिका में आवे के पड़ल, खुद आवे के पड़ल।
ये भूमिका खातिर वह सब के तैयार रहे के चाहिए। हम ओइजो के लोग से कहने पुराना भोजपुर के लोग से कि कोई के बुलडोजर में आज तक इतना हैसियत नहीं किया, बल्कि वो गरीब के दही बचा अगर चढ़ी तो बुलडोजर चलाए वाला रही ना है देश में। ऐसे ये बुलडोजर के विरोध हमनी के करेगा मजबूती के साथ, आ कोई के डराए के नहीं, हमनी के साथे बनी जाए बात के गारंटी हो। रुआ लड़म तो हमनी के लड़ाई छोड़ के भाग जाए, हमनियों के रुआ साथे रुआ से भले आगे ही रह के लड़म, ऐसे के हमनी के इस जिम्मेदारी बा। तो अगर ओहिजा से ना हुई, अगर सरकार से ना हुई, हमनी के सरकार के भी लिखते नहीं जाए, कल हम लिख दे मुख्यमंत्री के चिट्ठी, सब का हो रहा बा मुख्यमंत्री के राजस्व मंत्री के मैलो काल चिट्ठी लिख के तीनों चारों जगह के हम भेजब अपना पैड से जाके मिलबो करब, हम अभी जाके मिलबो करब। ऐसे वो लड़ाई अगर ना उमें हुई तो फिर एगो ही उपाय बा जनता के, उपाय होला सड़क, सड़क पर आंदोलन, आंदोलन करके जनता मोदी जी जैसे 56 इंच के छाती के चकना चूर कर दिले भी कजी देख लीजिए किसान आंदोलन कहले कि कानून ना खत्म हो चल पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा के किसान, मैं कानून बाहरी चले तो है कहा जी है पर्ची वैल्यू का जनता ही सरकार बनावेला आ जनता ही सरकार खत्म करला। जे गरूर करता घमंड करता ये दुनिया में कोई का घमंड चलल नहीं, तो गरीब आदमी के अपमान करे वाला जे भी काम करता ओकर कभी जीत ना, कभी जीत ना। ऐसे हमनी के रुआ साथे बनी जा, हर तरह से तैयार रह जा, कोर्ट में भी लड़ाई हुई दो चार पैसा चंदा बेहरी अपन आपस में कल ही जा लड़ाई लड़ी जा, हमनी के भी जवन सहयोग हुई हमनी के तरफ जा। दोसर ये लड़ाई जवन बा सड़क पर हुई जहां हमनी के सब कोई रहल जा लेके आओ बुलडोजर रहने से सीओ, हमनी के जो रह जा बैठल मगो तो सीओ मैं लोग पहले रहूं दा मैं लोग मार जब घरे ना रही तो हमनी के रह क्या करब जा, जब घरे ना रही तो हमनी के रह क्या करब जा। ले आओ चढ़ाओ हमनी के तो आंदोलन करके राजनीति में आयल बनी उहे करब जा हमनी के, तो जब ना हुई तो लेके यहाँ सीओ तो बाले बच्चे सब कोई के रोड पर बैठ जाएगा मगो चढ़ा के ले जा घर तुरा देख तो नहीं जा कि कितना जनसंहार हो रहा बा। ऐसे एकदम टेंशन नहीं खेले के घबराए के नहीं के सारा तरीका हम खुद रुआ साथे बने रुआ बैठम रोड पर तो हम हुआ के रुआ साथे बैठ जाए भाई पहले हमरे के मार दे, जब हमारा रहते हुए गरीब आदमी के घर ना बची तो फिर हमनी के रहला से कौन फायदा। ऐसे एमे घबराए के नहीं के एकरा के अभी हमनी के काल मुख्यमंत्री जी के लिखत नहीं जा हमारा उम्मीद बा कि रोक लागी एकदम एकदम रोक लगी ओहिजा भी हाई कोर्ट भी एक पर रोक लगाई जैसे कि गलत फैसला। ऐसे हमनी के पुराना भोजपुर के भी सब लोग से कहले बनी जा ओहिजा के भी सब कुछ से कि हमनी के पूरा पार्टी हमनी के पूरा गठबंधन महागठबंधन सब कोई जनता के साथ है। हमनी के चाहते नहीं जाए गरीब के विकास होके सारा काम हमनी के गरीब के विकास खातिर करत नहीं जा लड़त नहीं जा लगातार गरीब के घर टूटे पर कीमत बना दिए ठीक नो। ऐसे रुवा समय निश्चिंत रही जा तनिको तनाव में नहीं रहेंगे अपन अपन काम करेगा बा। हम अभी सीओ को बोल देते नहीं कि सोमवार मंगल वाला काम ना चले, जब अंतिम डेट खत्म हुई तब हमसे बात करेंगे, 3 हफ्ता के डेट का समय।